नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज भारत और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला होना है, लखनऊ के एकाना स्टेडियम पर होने वाले इस मैच के बारे में बात करेंगे इस प्रोग्राम में। और दोपहर 2 बजे से पहली गेंद फेंकी जाएगी और पहला ये मुकाबला होगा जब इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। पिछली बार का वर्ल्ड कप जिन लोगों ने देखा होगा या जिन्हें पिछले मुकाबलों को जिनके जहन में वो तस्वीरें होंगी, आज का मैच वो बिल्कुल मिस नहीं करने वाले, क्योंकि टीम इंडिया पूरे फॉर्म में है और इंग्लैंड अपेक्षाकृत कुछ दबाव में है। डिफेंडिंग चैंपियन है और डिफेंडिंग चैंपियन को यकीन मानिए, और खासकर इंग्लैंड को हराकर ये मैच, ये टूर्नामेंट आगे बढ़ना और कप जीतना एक अलग ही सुखद अनुभव होगा। और इस सुखद अनुभव के बारे में बताएंगे आपको। दोपहर 2 बजे से मुकाबला होगा। देश दुनिया के बड़े दिग्गज भी यहां पर मैच देखने के लिए आने वाले हैं। आपको ये भी बताते चलें कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई स्टेडियम पर मैच देखने के लिए आएंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टेडियम पर मैच देखने के लिए जाएंगे। यहां जय शाह भी मौजूद होंगे, रोजर बिन्नी भी काना स्टेडियम में ही मौजूद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला होना है, देश दुनिया के बड़े दिग्गज आज का मैच देखने के लिए आएंगे। अब तक भारतीय टीम का जो रथ है वो अजेय रहा है और आगे भी, आज भी इंग्लैंड को हराकर हम अजेय बने रहेंगे और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने तक ये जो विजय रथ है इसी तरह से चलता रहेगा। और आज का मैच कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। इंडिया और इंग्लैंड, इंग्लैंड और इंडिया, ये जो मुकाबला है काफी दिलचस्प रहने वाला है। टीम इंडिया जो कि अपने लगभग सभी मुकाबलों में अपना जुझारूपन दिखाती आई है, एक जो द्वंद रहा है टीम्स के साथ वो टीम इंडिया ने दिखाया और जूझ कर लड़कर मैच को जीता है टीम इंडिया ने। कभी गेंदबाज तो कभी बल्लेबाज तो कभी दोनों ही क्षेत्रों में भारत के खिलाड़ियों ने एक टीम एफर्ट दिखा करके अब तक के 5 मैच जीते हैं। हालांकि पॉइंट्स टेबल की भी बात करेंगे, अपेक्षाकृत पॉइंट्स टेबल में अभी भारत दूसरे नंबर पर आ गया, चूंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने मैच खेला, रन रेट उनका ज्यादा है, नेट रन रेट के मुकाबले वो पहले नंबर पर आ गए हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये मैच देखने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। और कई और बड़े दिग्गज आज के मैच को देखने के लिए यहां पर जाएंगे, जिसमें गूगल के CEO सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं, और इसके अलावा BCCI में अधिकारी जय शाह, रोजर बिन्नी जो कि 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य हैं और गेंदबाज भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी करते रहे हैं रोजर बिन्नी, ये भी आज का मैच देखने के लिए लखनऊ के एकाना स्टेडियम पर होंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे इस ग्राउंड पर। ऑस्ट्रेलिया चेत, अफगानिस्तान चेत, बांग्लादेश से लेकर न्यूजीलैंड तक सभी चित, इंडिया के सामने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड भी चित होगा। मैन इन ब्लू एक बार फिर तैयार है और इस बार अंग्रेजों को रौंदने के लिए टीम बेकरार है। और इन सब के बीच ये मैच, तो हम आपको डिटेल्स इसके बारे में बताएंगे ही, आप भी तैयार हो जाइए विश्व कप महासंग्राम के सबसे बड़े युद्ध के लिए जो आज खेला जाएगा, लड़ा जाएगा और धराशायी भी किया जाएगा इंग्लैंड को। आज भारतीय टीम एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी और जीत की इस खुशी को हम बांटेंगे आपके साथ। विश्व कप में अपनी दावेदारी और पुख्ता करने के लिए भारतीय टीम तैयार है। बटलर की सेना सावधान हो जाए, क्योंकि टीम इंडिया ही प्रबल दावेदार है। अंग्रेजों की सेना को रौंदने के लिए टीम इंडिया बेकरार है। भारत के धुरंधर पूरी तरह से तैयार हैं, बस कुछ ही पलों का इंतजार है। और अब भी हम यही कहेंगे हमेशा की तरह कि जीतेगा तो जी हां इंडिया। और इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जीत के साथ आगाज किया और अब तक अजेय बनी हुई है और अब टीम जीत का सिक्सर लगाने के लिए तैयार है। और आज वर्ल्ड कप के इस मैच में जब टीम इंडिया खेलने के लिए उतरेगी तो जीत के इरादे से उतरेगी, जीत का छक्का लगाने के इरादे से उतरेगी। आज
इंग्लैंड के साथ भारत खेलने उतरेगा, तो आज के इस वर्ल्ड कप के आज के खास मैच में सीजन में सबसे फिसलती टीम जो साबित हुई वो अभी तक इंग्लैंड रही है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड का ये हाल हो जाएगा, जो अपना खिताब बचाने के लिए उतरी। लगातार दूसरी बार खिताब के दावेदार माने जा रहे इंग्लैंड का ये बचाव सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। जॉस बटलर की कप्तानी में 1 साल पहले T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लिश टीम वनडे क्रिकेट में इतनी खराब हो जाएगी, शायद ये किसी ने नहीं सोचा। 5 में से 4 मैचेस हारने के बाद इंग्लैंड के आगे बढ़ने की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी है, और जो बची कुछ संभावना है आज भारतीय टीम उस पर पूरी तरह से विराम लगा देगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे। अंग्रेजों से इंतकाम की बारी, इंडिया की पूरी तैयारी, इस बार होगा हिसाब। अब वो सीने की आग बुझने वाली है। 4 साल पहले जो जख्म मिला था, आज उस जख्म के बदले की बारी है। 20 साल का सूखा आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया आज जीत का छक्का लगाएगी। आज इकाना में एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड है, तो दूसरी तरफ मेजबान भारत, जो जीत के 5 का पंच लगाकर लखनऊ पहुंची है। टीम इंडिया ने अभी तक वर्ल्ड कप में अपने सभी 5 मैच जीते हैं, और ऐसे में इस मैच में भी रोहित शर्मा की टीम ही जीत की दावेदार है। भारतीय खिलाड़ी पूरे रंग में हैं और इंग्लैंड पस्त है। दोनों के पिछले प्रदर्शन पर बात करें तो भारत और इंग्लैंड के वनडे के आंकड़े, जिसमें 106 मैचेस खेले गए, भारत ने 57 जीते और इंग्लैंड 44 मैचों में जीता। ओवरऑल आंकड़ों में भारत इंग्लैंड पर भारी रहा, तो वहीं विश्व कप में इंग्लैंड भारतीय टीम पर भारी है। वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड ने 8 मैच खेले, जिसमें इंग्लैंड 5 जीता और भारत 3। ये आंकड़े बता रहे हैं कि विश्व कप में इंग्लैंड भारत पर हमेशा से हावी रहा है। वर्ल्ड कप में भारत को इंग्लैंड पर आखिरी जीत 2003 में मिली थी। मतलब साफ है कि भारतीय टीम को 20 साल का सूखा खत्म करना है, और उम्मीद है कि इस बार इंग्लैंड से पिछले विश्व कप में मिली हार का बदला लिया जा सकता है, क्योंकि इस बार हम मेजबान भी हैं और हमारे खिलाड़ी पूरे रंग में हैं। कप्तान रोहित शर्मा से लेकर किंग कोहली, केएल राहुल लगातार बल्ले से आग उगल रहे हैं। विश्व कप में सभी के आंकड़ों पर नजर डालें तो रोहित शर्मा 5 मैचेस में 311 रन बना चुके हैं, जबकि 150 और 100 उनके नाम है। किंग कोहली विराट कोहली 5 मैचेस में 354 रन बना चुके हैं, इसमें उन्होंने 3 अर्धशतक और 1 शतक लगाया। केएल राहुल ने 5 मैचेस में 4 इनिंग खेलते हुए 150 लगाई है। ये वो खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच का रुख बदल देते हैं, हार से जीत में तब्दील कर देते हैं। वहीं हार्दिक चोटिल हैं। संभावना है कि सूर्य कुमार यादव को एक बार फिर मौका मिल सकता है, और इस बार सूर्या चमकेंगे, इसकी उम्मीद भी है। भारत के गेंदबाज भी घातक गेंदबाजी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह 5 मैचेस में 11 विकेट ले चुके हैं। मोहम्मद सिराज ने 5 मैचेस में 6 विकेट झटके हैं। कुलदीप यादव ने 5 मैचेस में 8 विकेट चटकाए हैं, तो रविंद्र जडेजा ने 5 मैचेस में 7 विकेट लिए हैं। ये आंकड़े इतना बताने के लिए काफी हैं कि पूरी भारतीय टीम गजब का प्रदर्शन कर रही है। कोई बल्ले से कमाल दिखा रहा है तो कोई गेंद से। इतना ही नहीं, पिछले मैच में जब मोहम्मद शमी को मौका मिला तो उन्होंने कीवियों के 5 विकेट झटक के दिखा दिए कि वो क्यों विपक्षी टीम के लिए सबसे खतरनाक हैं। अब आज इकाना में जब भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो भारत का इरादा एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर इंग्लैंड से पिछले विश्व कप की हार का बदला लेने का है, 20 साल के सूखे को कम करने का और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने का होगा। भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए ये लग रहा है हम ही वर्ल्ड कप के असली दावेदार हैं, और इसलिए भी हम कहते हैं कि जीतेगा तो इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और कोई गुंजाइश भी नहीं है, कोई शक भी नहीं है कि इंडिया टीम यहां पर मैच में किसी भी तरह से कोई कमजोर पक्ष दिखाए। दरअसल टीम इंडिया की बैटिंग डेप्थ, टीम इंडिया की बॉलिंग की स्ट्रेंथ और टीम इंडिया की फील्डिंग तो वर्ल्ड क्लास है, और इस वक्त टीम इंडिया ही है जो पूरे शबाब पर है, चमक रही है, दमक रही है, और अब तक कोई भी मैच टीम इंडिया ने अपने कब्जे से जाने नहीं दिया। वो पूरा जुझारूपन टीम इंडिया में नजर आया, टीम का एफर्ट नजर आया, और उस एफर्ट के बदौलत अब तक
जीत का पंजा हमने लगाया है और आज मैच जीतकर हम जीत का सिक्सर लगाएंगे। और जो अब तक विश्व कप में मैच खेले गए हैं उसके कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे, बताते हैं आपको, आंकड़ों से समझाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है अभी तक मैच में। दरअसल वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के मैच हुए हैं 8 अब तक, जिसमें से इंग्लैंड ने 5 जीते हैं। कोई बात नहीं, आज भारत के 4 हो जाएंगे क्योंकि अब तक भारत ने 3 मैच जीते हैं। और ये वो आंकड़े हैं जिससे हम आपको दिखाकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है अभी तक। रोहित शर्मा जो कि अब तक 5 मैचेस में 311 रन बना चुके हैं, 150 लगाई है, 100 उन्होंने मारा है। और इस विश्व कप की हम बात कर रहे हैं, 2023 का विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों खिलाड़ियों में भी रोहित शर्मा शामिल हैं। और इसके अलावा कुछ और आंकड़ों पर नजर डालेंगे रोहित शर्मा की बैटिंग के अलावा। अगर बात करें 2023 के इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली, किंग कोहली के प्रदर्शन का, तो 5 मैचेस कोहली ने खेले और 354 रन विराट कोहली ने बनाया, जिसमें कि 350 उनकी शामिल है, और एक शानदार शतक विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में लगाया है। और किंग कोहली की बैटिंग डेप्थ तो आप जानते ही हैं कि पूरा क्रिकेट का इंस्टीट्यूट विराट कोहली को कहा जाता है, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। केएल राहुल बेहद शानदार और एक अच्छे खिलाड़ी साबित हुए अब तक। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग की अगर बात करें तो 5 मैचेस में 11 विकेट अब तक उन्होंने लिए हैं, और शुरुआती विकेट चटकाने में और स्कोर को विपक्षी टीम के जो रन रेट है उसे रोकने में जसप्रीत बुमराह एक बहुत ही अच्छे और कारगर खिलाड़ी अब तक साबित हुए हैं। और वर्ल्ड कप 2023 में अब तक अगर बात करें मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन की, तो मियां भाई ने अब तक 5 मैच में 6 विकेट चटकाए हैं, और सिराज से जो उम्मीद थी वो पूरी उन्होंने खड़े उतर कर दिखाया। इसके अलावा कुलदीप यादव 5 मैच में 8 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। कुलदीप यादव मिडल ऑफ द ओवर्स विकेट लेने के लिए और जो रन रेट है उसे काबू में रखने के लिए बहुत ही अच्छे से जाने जाते हैं, और उन्होंने अपने उस काम को बखूबी अंजाम दिया है। और रविंद्र जडेजा की अगर बात करें तो सर जडेजा ने 5 मैच में 7 विकेट लिए हैं। और इस तरह से ये आंकड़े आगे बढ़ते हैं। भारत और इंग्लैंड के वनडे आंकड़ों की बात करें तो 106 मैचेस अब तक कुल भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए, जिसमें से कि 57 मैच भारत ने जीते हैं और 44 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जिससे कि ये पता चलता है कि अभी भारतीय टीम किस तरह से इस पूरे मैच में डोमिनेट करेगी, किस तरह से भारतीय टीम आगे इन आंकड़ों को और बेहतर करेगी। तो वनडे में कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने अब तक 286 मैच खेले हैं, 13,437 रन, ओ माय गॉड, भारी भरकम रन बनाया, रिकॉर्ड होल्डर है, हाईएस्ट इनका है 183 और एवरेज है इनकी 58.2 यानी 58.2 इनकी एवरेज, स्ट्राइक रेट 93 का शानदार स्ट्राइक रेट। एक एक ऐसे बैट्समैन की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा 256 मैचेस, 10,423 रन और 264 इनका हाईएस्ट है, डबल सेंचुरी मारने में इनको महारत है, और एवरेज जो है इनकी 49.2 है यानी 49.2, स्ट्राइक रेट इनका 91.4 का है और 91.4 का जो इनका स्ट्राइक रेट है बेहद शानदार। केएल राहुल की बात करें अब तक 66 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 2,468 रन अब तक बना चुके हैं, 112 इनका हाईएस्ट है और 50 के एवरेज से 27 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। और केएल राहुल जो कि पूरे 50 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद टीम को बेहतर चेज करने में भी बहुत मदद करते हैं। तो अभी इकाना की पिच की बात करें तो पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला है, हमारे पास रविंद्र जडेजा है, हमारे पास कुलदीप यादव हैं, बेहतरीन गेंदबाजी अब तक थ्रू आउट उन्होंने इस टूर्नामेंट में की है। और इकाना की पिच भी जो स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, जहां पर स्पिनर्स की फिरकी चलेगी और स्पिनर्स की गुगली काम करेगी। इकाना स्टेडियम पर अब तक कुल 12 मैचेस हो चुके हैं और ये पिच इन 12 मैचेस में कैसा खेली है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए ये चेज करने वाली टीम की यहां पर 9 बार जीत हुई है और चेज मास्टर विराट कोहली हमारे साथ हैं, चेज करने में टीम इंडिया का कोई सानी नहीं है। तो ऐसे में ये अगर टॉस होता है टीम इंडिया चेज करती है, अगर टॉस होता है तो संभव होगा कि टीम इंडिया बॉलिंग चूज करे, तो इससे भी ये आंकड़ों से ये चीजें स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए हम आपको ये पूरे आंकड़े जुटाकर दिखाते हैं, हमारी पूरी टीम इसमें लगी होती है और सभी जो कार्रवाई है वो इसमें कैसे इकाना की पिच खेल रही है। पहले बल्लेबाजी वाली टीम की जीत अब तक 3 बारी हुई है, जबकि अब इस पूरे अब तक के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो आज अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो भी जीतेगी, अगर इंडिया चेज करती है तो भी जीतेगी।
और सुनील हचौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं और बात करेंगे। मिथिलेश पहले आपके पास आते हैं, आज इंग्लैंड से बदला लेने का मौका है, किस तरह का उत्साह क्रिकेट देखने वाले दर्शकों में फैंस में दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से आज संडे का दिन है और यहाँ पर फैंस जो है, छोटे छोटे खिलाड़ी हैं यहाँ पर, जिनमें किस तरह का जोश दिख रहा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहीं से रह के जो आने वाले भविष्य है, जो इन्हीं में से कई खिलाड़ी निकलेंगे वो यहाँ पर रह के किस तरह से अब ये टीम इंडिया का उत्साह बढ़ा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर मैदान में तैयार हैं ये। जब यहाँ पर मैच आरम्भ होगा तब ये बच्चे यहीं से रह कर टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाएंगे और ये ईश्वर से दुआएं करेंगे कि बेहतर टीम प्रदर्शन करे और इस जीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहे, क्योंकि टीम इंडिया 5 जीत जो है वो दर्ज करे। इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना ये चाहते हैं, आगे किसको अपना ये आइडल मानकर चल रहे हैं? आज के मैच में कौन ज्यादा बेहतर खेले, किसकी उम्मीद, कुछ बात कीजिए इनसे। देखिए आज मैच हो रहा है, आज कौन अच्छा खेलेगा, किस तरह की उम्मीद रखते हैं? आज रोहित शर्मा अच्छा खेल सकते हैं, विराट कोहली अच्छा खेलेंगे और बॉलर में बुमराह अच्छा डालेंगे। अगर आप किसको आइडल मानते हो अपना? बुमराह। बुमराह को मानते हो, आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? विराट कोहली जैसे बड़े बैट्समैन जो है मैं वैसे बनना चाहता हूँ, और जैसे वो एकदम चेस करते हैं और इतने सेंचुरीज हैं तो एकदम वो अपने स्टाइल में मारते हैं, और उनके जैसे बैट्समैन मेरे हिसाब से अभी इंडिया टीम में कोई नहीं है, तो विराट कोहली बेस्ट। अच्छा आप बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग करते हैं, और यदि बैटिंग करते हैं तो किसके जैसे बनेंगे? बैटिंग करता हूँ और अगर मैं विराट कोहली जैसे ही बनूंगा। और कुछ बच्चे हैं उनसे बात करेंगे, बेटा आज मैच हो रहा है कैसे देखते हैं, आज कैसा रहेगा इंडिया का प्रदर्शन? आज इंडिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो इंग्लैंड है जो बहुत मैच हारी है 3-4 मैच, और इंडिया 5 मैच खेली और 5 जीती है, इसलिए आज कैसा है कि इंडिया को कैसा खेलना चाहिए, हालांकि टीम इंडिया तो लगातार जीत रही है। इंडिया को टॉस जीत के पहले बैटिंग लेना चाहिए क्योंकि लखनऊ की पिच बाद में स्लो होती है, और टॉस जीत के पहले बैटिंग लेने में पावर प्ले में ज्यादा रन बनाने चाहिए क्योंकि स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे तो उनको रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। जी 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 सर आप बताइए कि आज टीम इंडिया का प्रदर्शन तो लगातार जारी है जीत का, आज कैसा देखते हैं? सर टीम तो काफी कॉन्फिडेंट है और होम एडवांटेज भी है, और जहाँ तक मैच लखनऊ में हो रहा है तो वहाँ पे हमें आईपीएल का भी एक्सपीरियंस है, आईपीएल के मैच भी हम खेल चुके हैं और हमारे बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही, दोनों पक्ष हमारा बहुत ही स्ट्रांग है, फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है अन्य टीमों की तुलना, और चेसिंग में भी हम काफ़ी अच्छे हैं। अगर ऐसा नहीं है कि पहले बैटिंग करते हैं तो चेस करते हैं तो भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली विराट कोहली काफ़ी अच्छा चेसिंग करते हैं, केएल राहुल ये लोग चेसिंग में एक्सपर्ट हैं। देखिए आज अभी तो टॉस हुआ नहीं है, टॉस होगा तो टीम इंडिया को क्या बैटिंग लेना चाहिए, बॉलिंग लेना चाहिए, पिच के हिसाब से क्या देखना है? मैं आऊंगा मिथिलेश आपके पास अभी, काना चलते हैं, लखनऊ में हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त मौजूद हैं, और क्या वहां पर तैयारी है, फैंस में कैसा उत्साह, अलाउद्दीन अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो बताइएगा। जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इकाना स्टेडियम मेरे राइट हैंड पर है, नीला आसमान, आसमान की तरफ पैन करे कैमरा, नीले नीले लोग और जमीन पर भी नीले नीले लोग, लखनऊ शहर मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। आप देखेंगे यहाँ से कम 500 मीटर दूरी तक जहाँ गेट नंबर 2 है इकाना का, वहाँ पर नीली जर्सी में सिर्फ इंडिया के सपोर्टर्स नजर आएंगे मेरे राइट हैंड पर, जहाँ पर लोग जहाँ से एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर भी 500 मीटर दूरी तक यानी 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि एंट्री 12 बजे शुरू हो गई है लेकिन अभी एंट्री 8 बजे रात तक चलेगी, जो व्यक्ति एक बार अंदर जाएगा वो दोबारा फिर बाहर उसको आने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन लोगों के जोश को देख करके आप देखिए और इस बात का अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लोग यहाँ पर मैच देखने को लेकर के उत्साहित हैं। क्या लखनऊ की राइट हैंड की सड़क, क्या लेफ्ट हैंड की सड़क, सब कुछ नीला नीला ही नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के फैंस अपने अपने हिसाब से ना सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि अपने अपनी तरह से नारेबाजी करके अपने जोश को भी यहाँ बता रहे हैं। कुछ लोग यहाँ कहाँ से आए हैं? अज्जा से। मैम आप कहाँ से आई? गोंडा से। गोंडा से आप लोग मैच देखने आए, क्या विषय आप लोगों की? Just going to enjoy the match. किसकी बैटिंग देखनी है? किसकी बैटिंग देखनी है? अरे गिल भाई है, विराट कोहली है, जीतेंगे। आप किसी देखने आए हैं? मैं रोहित, रोहित। देखिए आप दूर तक फिर और फैन से बात करूंगा, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लव फ्रॉम नेपाल, नेपाल से भी लोग आए हुए हैं, ये सारे लोग नेपाल से आए हैं,
बोस्टन अमेरिका से, इसके अलावा बहुत सारे लोग दूसरे मुल्कों से भी इस मैच को देखने आए हैं, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब जगहों के लोगों से मेरी खुद मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। इसके अलावा तमाम लोग दूसरे मुल्कों से सिर्फ इस मैच को देखने के लिए आए हैं। इधर देखिए किस तरह से फैंस अपने चेहरों पर न सिर्फ भारत के तिरंगे झंडे को अपने चेहरों पर लगवा रहे हैं जो है वाटर पेंट के जरिए से, बल्कि अब जब मैच के दौरान जब वो जाएंगे तो फिर अपने जोश को भी यहाँ दिखाएंगे। मैम कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ से ही हूँ। क्या विश करेंगी, कौन मैच जीतेगा इस बार? जाहिर सी बात है, भारत, सिर्फ इंडिया 6-0 से लीड। और क्या, किसको सपोर्ट करेंगे आप? रोहित और विराट, माय फेवरेट प्लेयर को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन रोहित को और विराट को कुछ लोग और हैं। कहाँ से आई मैम आप? लखनऊ से आई हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ के लोग मुझे मिल गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच को लेके? बस इंडिया जीतनी चाहिए। बड़ा मैच होगा, बिल्कुल बड़ा मैच होगा, बिल्कुल। अलाउद्दीन आप बातचीत करते रहिएगा, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। और सुनील हचौरिया शाजापुर से हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी कुछ क्रिकेटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, चूंकि लखनऊ में तो जो माहौल है वो वाकई इस वक्त बेहतरीन, पूरा क्रिकेट के लिए एकदम आइडल बना हुआ है। लेकिन सुनील, शाजापुर में क्या माहौल है, जो सपोर्टर्स हैं क्या उम्मीद कर रहे हैं, कौन आज फेवरेट है, कौन खेलने वाला है बेहतर, क्या सोच रहे हैं? सुनील मेरी आवाज अगर मिल पा रही है तो आपके साथ जो सपोर्टर्स हैं उनसे भी बात कीजिएगा, और कौन फेवरेट उनके खिलाड़ी हैं और आज कैसा वो मैच देखना चाहते हैं, हाई स्कोरिंग मैच जो कि इस वर्ल्ड कप में हुए, लो स्कोरिंग मैच भी इस वर्ल्ड कप में हुए, लेकिन इंग्लैंड के साथ कैसा मैच देखना पसंद करेंगे सपोर्टर्स? देखिए, जो वर्ल्ड कप में भारत जो है लगातार जीत का सिलसिला उसका जारी है, और अब तक जो है भारत ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया उससे तमाम फैंस जो है वो काफी खुश है, और उन्हें लगता है कि इस बार वर्ल्ड कप जो है भारत के हिस्से में जरूर आना चाहिए। आज का मैच, हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड को फेवरेट माना जा रहा था, जिस तरीके से उसने पिछला खिताब जीता था, लेकिन अभी के जो मौजूदा दौर उसमें इंग्लैंड का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। इससे भारतीय प्रशंसकों की उम्मीद है एक बार फिर ज्यादा भारतीय टीम से है कि भारत आज शानदार प्रदर्शन करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पीछे तमाम छोटे छोटे फैंस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर तमाम छोटे बड़े फैंस हैं, मेरे साथ कई छोटे खिलाड़ी भी हैं। आपको क्या लगता है आज के मैच में कौन सा खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा? मुझे लगता है कि आज रोहित शर्मा और विराट अच्छा खेलेंगे। तो देखिए, बहुत छोटा प्रशंसक है लेकिन उसे भी पता है कि रोहित शर्मा और विराट जिस तरीके के फॉर्म में है वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको क्या लगता है लखनऊ में कौन कमाल करने वाला है? विराट कोहली बॉलर। और क्या लगता है भारत अगर इंग्लैंड से तुलना करेगी तो मैच का किस तरीके का? मोहम्मद शमी ज्यादा विकेट ले सकते हैं आज। अच्छा, आपको क्या लगता है मैच के बारे में? आज इंडिया मैच जीतेगा। अच्छा, देखिए जो तमाम प्रशंसक हैं उनको लगता ऐसे, है छोटे छोटे खिलाड़ी ऐसे थोड़ा डाउन लो सा लग रहा है, एक बार भारत माता की जय बुलवा दीजिए जिससे टीम इंडिया को चेयर पहुंच जाए, और फिर ये बातचीत हम आगे अब खत्म करेंगे क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। टीम इंडिया को चेयर अप करेगा? इंडिया यही चेयर अप हमें चाहिए, ऐसा ही चेयर इकाना के बाहर जहां अलाउद्दीन मौजूद थे अभी, अलाउद्दीन ने भी वहां पर वो चेयर दिखाया, कितना जबरदस्त उत्साह है, और मिथिलेश ने भी वो चेयर अप दिखाया, और अब सुनील ने भी दर्शकों से और जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं उनसे चेयर अप कराया टीम इंडिया का, और ये चेयर अप काम आएगा, जीतेगा तो इंडिया में। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, खबरों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा।